स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और इंस्पायरिंग स्टोरी में। मैं हूं विकास। गाइस, संदीप महेश्वरी जिन्हें हर कोई जानता है, आपने भी इनकी कई वीडियो देखी होगी। इनका नाम उन लाखों लोगों में सबसे ऊपर आता है जिन्होंने संघर्ष का सामना करते हुए जीवन की सफलता, खुशी और संतुष्टि हासिल की हो। आज के इस वीडियो में हम संदीप महेश्वरी की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी जीवन की बड़ी सफलता हासिल कर पाएं। संदीप महेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 में नई दिल्ली में हुआ था। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में इनके बहुत ही ज्यादा दोस्त नहीं थे जैसे कि बाकी बच्चों के होते हैं। इनके पिता एल्युमिनियम का बिजनेस करते थे जो कि ढह गया और घर की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उन पर आई। और जैसा कि घर के जवान बेटे से उम्मीद की जाती है, उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग से लेकर घरेलू उत्पादों का निर्माण तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। जीवन के इस संघर्ष के पलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने इंटरेस्ट और जरूरतों की खोज में निकल पड़े। संदीप महेश्वरी ने बीकॉम फाइनल ईयर में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की यात्रा में निकल पड़े जिसे लोग आज जिंदगी कहते हैं। इन दिनों संदीप महेश्वरी जिंदगी को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस यात्रा में चमचमाती मॉडलिंग की दुनिया ने इनका ध्यान अपनी ओर खींचा। 19 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने देखा कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत ही उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। यही वो समय था जब इन्होंने मॉडल की मदद करने का फैसला किया। इन्होंने फोटोग्राफी में मात्र 2 सप्ताह का कोर्स किया और मैस ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी की स्थापना की। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जो कि 6 महीने में ही बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने मार्केटिंग पर एक उल्टी किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अपना अनुभव बताया। इस समय ये सिर्फ 21 साल के थे और इन्होंने एक किताब लिख डाली। इसके बाद साल 2003 में इन्होंने सिर्फ 10 घंटे 50 मिनट में 122 मॉडलों का 10,000 से अधिक शॉट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद ये काफी पॉपुलर हुए, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुके बल्कि 26 साल की उम्र में इन्होंने इमेज बाजार लॉन्च किया और बहुत बड़ा सेटअप ना होने के कारण इन्होंने मल्टीटास्किंग करने का फैसला किया। ये एक काउंसलर, टेलीकॉलर और एक फोटोग्राफर के रूप में आगे बढ़ते गए। आज इमेज बाजार 10 लाख से अधिक इमेज के साथ 45 देशों में फैला हुआ है और इन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडलिंग की दुनिया में ये बड़ा बदलाव लाया है। ये एक जीवन बदलने वाला प्रयास था जिसने उन्हें 29 साल के उम्र में भारत के सबसे पॉपुलर लोगों की लिस्ट में शामिल करवा दिया। इसके बाद जब सब कुछ सही चलने लगा तो साल 2012 में इन्होंने रुचि महेश्वरी के साथ शादी की। इनका लव मैरिज था। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो 11वीं क्लास में ये पहली बार रुचि महेश्वरी से मिले थे। इसके बाद इनके बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर आगे चलकर इन्होंने रुचि महेश्वरी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। आज संदीप महेश्वरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, एक रोल मॉडल और एक यूथ आइकॉन है। लोग इनके महान मिशन के लिए इनसे प्यार करते हैं और इनकी दाद देते हैं। इनसे जुड़ी एक बात काफी फेमस है जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान करती है और वो है इनका यूट्यूब इनकम। इनके यूट्यूब चैनल पर 2.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। जिस पर वीडियो की अर्निंग की बात करें तो ये महीने का 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, लेकिन संदीप महेश्वरी ने इन पैसों को ठुकरा दिया। उनका मानना है कि इन्होंने यूट्यूब चैनल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया था और पैसा कमाने के लिए इनका दूसरा बिजनेस पहले से है। लोग इनके इसी सोच के वजह से इनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार भी किया था जिसके बाद ये वीडियो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइफ चेंजिंग सेल्फ एजुकेशन वीडियो के रूप में गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कुल मिलाकर देखें तो संदीप महेश्वरी की लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मुझे संदीप महेश्वरी की एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो अपना यूट्यूब का इनकम नहीं लेते हैं। अगर संदीप महेश्वरी चाहते तो जो करोड़ों की अर्निंग होती तो वो यूट्यूब के उन करोड़ों रुपया से एक एनजीओ खोल सकते थे और इन पैसों का इस्तेमाल खुद ना करके गरीबों के लिए करते हैं। क्योंकि संदीप महेश्वरी के वीडियो से अभी जो अर्निंग हो रहा है वो यूट्यूब के पास है। अगर संदीप महेश्वरी चाहे तो इसको ले सकते हैं और अगर ये लेते हैं तो इस पैसे का यूज वो गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं, एनजीओ चलाने के लिए कर सकते हैं, देश को समर्पित कर सकते हैं जिससे देश आगे बढ़ेगा, या हमारे देश के जवानों को दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर होता क्योंकि यूट्यूब के पास पैसे की कमी नहीं है। वैसे गाइस, आप मेरे ओपिनियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गाइस, ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।